भाई ने मटन। फनकार जो होता है ना, असल फनकार जो होता है वो जब वो स्टेज पर बैठ जाता है और उसके ऐसी ऑडियंस मिल जाती है, मूड बन जाता है, तो वो ये नहीं देखता कि उसकी तबीयत खराब है या पिछला क्या हुआ क्या नहीं हुआ आगे क्या होने वाला है। He is only concerned with the present and the mood, and this is what it is. We enjoy it. हम सारी चीजें भूल जाते हैं, सारी हमारी फिक्रें हैं, परेशानियां हैं, ये सारी चीजें। फनकार यही कहता है कि हुआ हुआ सो हुआ। मैं तो यादों के चराग़ों को, मैं तो यादों के चराग़ों को जलाने में रहा।